मैं इन्होंने कहना ना बेटे हिस्टरी च ना इत्थे ओलंपिक स्टाइल लड़ोगे तो ही बनना आ। तो सिंह भजते आ तो कभी अज किते मंगते उतरे फिरते। मैं कहना नहीं चाहता, चंगी गल नहीं लगती मेरे मूँहों। मैं पहला नहीं मैनू कोई पता लगता आ गल्लां होर बच्चे साडे करदे सी विआह भी करदे आ। मैं जॉब टेस्ट तो भजते आ तां नहीं कोई आ रहा। 2-3 महीने का शक मैं ना रानी कोच लियांदे सी। ये 4-5 मुंडे ही तुर पैणगे। साडा ही भतीजा गुरपाल सिंह ये अपना जस्सा आ करन आ होर 4-5 मुंडे आ इदां दे। मैं सोचता हाँ भाई मेरे कहने ते नहीं चलते तो मैं रानी कोच नूं मंगाया। अपने बच्चे आ मैं इन्हां लई लिया भाई ये जो घर दा जोगी जोगड़ा हुंदा ते बाहर दा जोगी सिद्ध ये चल पैण पर नहीं चले। मैनूं बड़ा दुख आ। बड़ी गल है क्योंकि जस्से का एक वैसे ही अपने आप के नाम है जस्सा पट्टी की गल। गुरपाल उधर भी चंगा आ। गुरपाल नैशनल का गेम का चैंपीयन आ सारा कुछ वधिया पर मेरा भतीजा आ जिहड़ा गलत है गलत आ। 24 साल बाद पंजाब दे विच कुश्ती का अखाड़ा लगन जा रहा है। नैशनल चैंपीयन कुश्ती होने जा रही है। साडे नाल मैनेजर अते प्रधान एसोसीएशन के पहलवान करतार सिंह हैगे आ। इन्हां दी तारीफ दे विच जे मैं बोलन लगा तो शायद सारा इंटरव्यू इन्हां दी तारीफ दे विच ही लंघ जूगा। हुण तां इन्हां ने सियासत का भी स्वाद चक लिया। पहलवान जी पहलां तां मैं यही 24 साल का जिहड़ा सफ़र आ जां गैप कह सकते हैं कि 24 साल बाद पंजाब दे हिस्से कुश्ती आई है। इन्ना लंबा समा क्यों? बिल्कुल जी बड़े दावेदार होंदे आ। इस बार भी बड़े दावेदार सी। 21 बंदे 21 स्टेट आंदे भी असीं चैंपीयनशिप कराउणी आ प्रेसिडेंट साहब ने सोचना होंदा कि किनू देनी है किहड़ा जिम्मेवारी चंगी तरह निभा सकदा आ। असीं स्पैशल बेनती की क्योंकि धन धन गुरु नानक देव जी के 550 साल गुरपुरब नूं समर्पित सारे प्रोग्राम चल रहे सी। असीं भी उन्होंने बेनती की ते वो सारे जिहड़े दूसरे दावेदार सी उन्होंने भी राय दी कोई गल नहीं ये पंजाब नूं मिल जाए। ठीक है किहड़ियां चीज़ां ध्यान च जे मैं आखां तां किहड़ियां चीज़ां ध्यान च रख के चैंपीयनशिप स्टेट नूं मिलदी है। ये कोई बंदोबस्त किदां चंगा कर सकते आ कि प्रबंधक आ क्योंकि अहीं तो पंजाब दे विच पहलां भी नैशनल चैंपीयनशिप भी 96 दे विच कराई सी और होर चैंपीयनशिप जूनीयर सब जूनीयर अहीं कराउंदे रहिंदे आ। अहीं तो इंटरनैशनल टूरनामेंट भी कराए अपने कॉमनवेल्थ चैंपीयनशिप 2009 दे विच कराई। उस तो बाद शहीद भगत सिंह टूरनामेंट 2009 तो बाद अहीं होर भी कराउंदे आ। उन्हें 10वां करा चुके हैं तो उसदे नाल असीं पूरा अरेंजमेंटली साडी टीम आ क्योंकि सानूं पंजाब पुलिस का बड़ा सहयोग है। नैशनल लैवल का ये चैंपीयनशिप मैं कह सकता कि इंटरनैशनल खिडारी आने तो इंटरनैशनल ही हो जाएगा। जिहड़े शहीद भगत सिंह कराउंदे रहे कॉमनवेल्थ दे विच 24 कंट्री आए सी वो भी असीं संभाले। और जिहड़े टूरनामेंट शहीद भगत सिंह ते कराने पहली बार 2009 च कराया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੰਟਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਕੰਟਰੀ ਆਏ 2011 'ਚ 2012 'ਚ 15 ਕੰਟਰੀ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਪਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਨੇ? ਐਤਕੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਤਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰ ਸਟੇਟ 29 ਸੂਬੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 2 ਬੋਰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਟੀਮਾਂ ਆ ते 3 पिछले साल के जो बेस्ट आ उन्होंने टीमां 2-2 लड़नियाँ। 34 टीमां इत्थे आउणगियां जिन्हां दे विच 30-30 पहलवान ने 6-6 कोच ने मैनेजर ने 3-3 मतलब 1214 के कंटीजेंट सारे दे इकट्ठे होने। इत्थे सुपरस्टार आ रहे ने। इत्थे सुपरस्टारां दी गल करिए तां किहड़े-किहड़े आ रहे ने? बिल्कुल हिंदुस्तान जदों ये हुण अगली 2020 ओलंपिक हो रही है उत्थे जापान दे विच टोक्यो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ 18 ਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 6 ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਤੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਔਰ 6 ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮ ਦੇ ਤੇ 6 ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਲ ਦੇ 4 ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਨੇਸ਼ ਆ ਲੜਕੀ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਪੁਨੀਆ ਔਰ ਰਵੀ 4 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ। वो उन्होंने मर्जी है लड़न तो मर्जी है ना लड़न। जोड़े होर 14 वेट कैटेगरिया आ वो इतने लड़न तो ही क्वालीफाइंग जा सकते अदरवाइज नहीं जा सकते। अगे 2-3 टूरनामेंट हो रहे हैं क्वालीफाइंग वास्ते। ये सुपरस्टारां दे नाम तो तुसीं दसदे इन्हां दा चर्चा सारी दुनिया दे विच हुंदी है पर एक नाम रह गया सुशील कुमार दा। बिल्कुल जी सुशील दा मैनूं कल ही पता लगा कि वो नहीं आ रहा। सानूं दुख तो जरूर होया भी इत्थे आउंदा ते साडे पंजाब दे लोग उहनूं ही वेखदे। ते मैं जदों पिछे चाइना 2008 के ओलंपिक हुई सी, मैं वह मैनेजर गया सी। सोंधी साढ़े इतने सैकटरी ने वो कोच सी और मैं उन्होंने गाइड भी किया, जोर भी कराए और मालिश भी की, सारे काम किए क्योंकि चार चार कुर्सियां लड़नियां पैंदियां। तो पहला उन्होंने तैयार करना किदा करना, फिर भी कोच का कहना नहीं मनिया उन्हें इन्ना कुछ किया। मैं उन्होंने नूर सुल्तान में मैनेजर बन के गया सी वर्ल्ड चैंपियनशिप के उदों। मैं उन्होंने कहा अपने सुशील तू आ रहा नैशनल लड़ ली, तो वो आंदा देखूंगा। मैं भी बेटे उन्होंने प्रेजिडेंट साहब ने ये नोटिस सारे कड़ता आ भी जोड़ा उत्थे लड़ूगा वही क्वालीफाइंग लिए जा सकता है। तो उन्हें उन्हें क्या ना नहीं जाऊगा, नहीं जाऊगा। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੜਕੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। एक युवराज पाटिल पहलवान से महाराष्ट्र का, तो वह बहुत बड़ा पहलवान सी। ओदी मेरी कुश्ती की चर्चा होंदी रही पहला, तो उन्हें अपने दो तीन चेले लड़ाए मेरे नाल, हर साल जाना असीं चर्चा करनी, अगले साल फिर जाना पेपरां च आउणा, लोग कुश्ती देखनी चाहुंदे सी। उन्हें कहना भी मैं आ चेले लड़ो, आ तीन साल इदां निकल गए। वो दो तीन वो चेलियां नूं मारिया मैं। उस तो बाद पाकिस्तान का जारा पहलवान सी, कहना वो हजारा पहलवान आऊगा तो उदू बाद मैं लड़नी है। वो दो तीन साल उन्हें वो नगाते। फिर एक अपा कदम पहलवान से उसका महाराष्ट्र का बहुत तगड़ा, वो कुश्ती मेरी हुई, वो दूसरे अखाड़े का ही। उन्होंने जो मारिया ना चित किया, फिर उन्होंने पक्का मन बना लिया कि नहीं लड़ना। उतों के लोग बड़े शौकीन ही, लोगों ने इन्हू चूड़ियाँ भेजिया भी तू चूड़ियाँ पा ला जे लुहाना लड़ना नहीं। तो फिर एक प्रोग्राम किया उन्होंने कोल्हापुर शिवाजी महाराज ਦਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ 10-12 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ। तो गुरु जी ने कहता करतार फ्री लड़ूगा। तो फिर उन्होंने पूछा उन्होंने घरदियां ने सारे मिनिस्टर ने भी तू क्यों नहीं लड़ता। उन्हें अज तो बाद मैं कुश्ती नहीं लड़नी। वो बेचारा लड़िया ही नहीं, बाद कुश्ती बंद करती है। कुश्ती छड़ाई जाती है जी, कुश्ती छड़ी नहीं जाती। कहता जी करता ताड़ियां ना वजन तो वजदियां रहन। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਬੈਠੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਲਵਾਨੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਮਾਈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟਾਰ ਆ, ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਆਏ, उन्होंने शोहरत टैलीविजन पर ऐड मिलने लग गई। 3-3 करोड़ रुपया उन्होंने स्टेट ने दिता, 1-1 करोड़ रुपया सेंटर गौरमेंट ने दिता। तो कहते हैं कि जो एक बार ना बन जाता सिर्फ उन्होंने ही फिर फेडरेशन या फिर उन्होंने ही चकते, नवे मुंडे मौका ही नहीं मिलता उन्होंने। होर गल है वो हर साल की प्रोग्रेस देखते हैं, वो ABCD पहलवानों चुनते हैं। जोड़े ए ग्रुप च आते हैं उन्होंने 30 लाख रुपया देंगे साल का, तो सैकंड में 20 देंगे आ, थर्ड में 10 देंगे आ, जोड़े जूनीयर आ उन्होंने 5-5 भी देंगे आ, सारा कुछ करते हैं। तो अं कि कह सकते हैं भी कोई कमी है पैसे की? पंजाब ए ग्रेड की मैं जो गल करा पहलवाना की तो किड़े नाम जो व्डे नाम जो पंजाब के कल गल करा तो किड़े नाम है? पंजाब साढ़े गिरको रोम च 2-3 पहलवान साढ़े हरप्रीत आ, गुरप्रीत आ और प्रभ पाल आ। एक कुंडू का दत्या कुंडू आ, वह भी कॉमनवेल्थ का चैंपीयन आ। 4-5 मुंडे साढ़े स्टार ने। तो जोड़े मैं होर तुम साढ़े ही बच्चे आ, 2-4 बच्चे इदा के वो छियां वाल दौड़ते हैं, वो इधर पैसे वाल दौड़ते हैं। पैसे की गल ही हो मैं तो दस 3-3 करोड़ रुपया किनू मिलता साल का, मिलता किसी जी। तो होर बड़ी शोहरत आ, बड़ा मैं इन्हों कहना ना बेटे हिस्टरी च ना इत्थे ओलंपिक स्टाइल लड़ोगे तो ही बनना आ। तो सिंह भजते आ तो कभी अज किते मंगते उतरे फिरते। मैं कहना नहीं चाहता, चंगी गल नहीं लगती मेरे मूँहों, पर उन्होंने नेशनली सोचना चाहिए जरूर भी नेशनली अं काम करना है। लागे नौजवान क्योंकि सोच जा कह सकते हैं कि एडवांस बाली ज़्यादा होगी। एक गल ये दसो कि मैं उन्होंने कहना भाई अं मिट्टी च भी लड़ते रहे, अं सारे टाइटल जिते, भारत केसरी, भारतमाल, सम्राट, जिन्ने हिंदुस्तान के टोटल टाइटल जिते आ वो मिट्टी च लड़ते रहे। अं नैशनल गद्दे ते भी लड़ते रहे, दोनों काम कर सकते। तुहाडी सोच बदलने की जरूरत है। हुण मैनूं थोड़ा शक होया, हुण मैनूं 2-3 महीने का शक। मैं ना रानी कोच लिआंदे इत्थे, ये 4-5 मुंडे ही तुर पैणगे। साडा ही भतीजा गुरपाल सिंह, ये अपना जस्सा आ, करन आ, होर 4-5 मुंडे आ इदां दे। मैं सोचता हाँ भाई मेरे कहते नहीं चलते, तो मैं रानी कोच नूं मंगाया। असीं उहनूं पैसे देण लई एसोसीएशन वालों बड़ी मनी ना गणाई। ये तो है भी तुहाडे एरिया दे, अपने एरिया दे। मैं भी तरन तारण बिल्कुल अपने बच्चे आ, मैं इन्हों लिया है भी ये जो घर का जोगी जोगड़ा होंगे तो बाहर का जोगी सिद्ध ये चल पैन, पर नहीं चले। मैनू बड़ा दुख आ। जसे वर्गिया ने तुहाडी उम्मीद ते खरे नहीं उतरे, इत्थे प्रैक्टिस करते आ नहीं, वो पासे हो गए आ। गुरपाल आ नहीं चलिया, भी नाम मैनूं लगदा कि इस बार है नहीं गा, साडे कोल नहीं हैगा। ते बड़ी गल है क्योंकि जस्से दा तां इक वैसे ही अपने आप दे विच नाम है, जस्सा पट्टी दी गल। गुरपाल उहदे नूं भी चंगा आ, गुरपाल नैशनल दा गेम दा चैंपीयन आ, सारा कुछ वधिया। पर वो मेरा भतीजा आ जिहड़ा गलत आ, गलत आ। उन्हां नूं ओहदी सोच ही बदल गई कि अहीं करना नहीं कुछ, ये मेहनत करनी पैंदी आ। सारा सुन के, ये गल सुन के मैनूं भी हैरानगी होई क्योंकि जस्से दे पिता जी छंदा भलवान होनी, उन्हां दा इक अपना इक रुतबा आ। तुसीं मैनूं लगदा कि उन्हां दे घर बिल्कुल इकट्ठे नाल रहे हो कि तुसीं तरनतारन दे हो। उन्हां नाल इकट्ठे, मेरे नाल इकट्ठे। मैनूं इस करके पता कि तुसीं तरनतारन दे, मैं भी तरनतारन दा, वो भी तरनतारन दे आ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਪਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਚ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ घर की गल दसी है। तरन तारण के है जस्से होनी भी तरन तारण के, ये उन्होंने भतीजे ही है तुहाडे जस्से होनी सारे। सरम इंटरनेशनल प्लेयर हैगा, तुहानूं शक है किते ना किते भी? मैं हुण की कह सकदा, मैं हुण कह नहीं सकदा, पर मैनूं डर आ कि इस गल्लों क्यों भजदे आ। इन्हां नूं लड़ना चाहिदा सी, पंजाब दे चैंपीयन बनना चाहिदा सी। इन्हां दे पंजाब पुलिस दे विच भर्ती आ, इहो ही ना लड़न ते रानी कोच में इन्हां लई मंगाया ते मैनूं तां दुख होया। गलबात कर ली। सो 24 साल बाद चैंपीयनशिप जी हो रही है। तो एक गल नवी भलवान होना ने दसी है कि कुछ नौजवान है जोड़े इस चैंपीयनशिप तो मैट वाली कुश्ती तो भज रहे हैं। उन्होंने शंका जताई है कि जेकर साढ़े कोल नहीं सीखना चाहते तो असी ईरानी तक कोच जोड़े ईरान के कोच भी लिया के इतने दिते आ। पर नौजवान अजकल एडवांस हो चुके हैं, वो एडवांस दे विच अपना आप का भविख जोड़ा अपने आप ही लभना चाहते। पर इन्होंने उम्र गालिया ने, इन्होंने अपनी उम्र कुश्ती में लाइया ने, कुश्ती के नाम लाइया ने, व्डे व्डे इनाम जिते, पद्म श्री है। इस तो व्डा इनाम की होगा? पर जिस तरीके अज की नौजवानी या फिर कह सकते हैं कि जी एक खेड आ कितना कितने पैसे की भी बन के रह गई आ कि पैसा लोग ज़्यादा भालते हैं तो इनाम व्डे व्डे जोड़े है लभण की जी है वो कोशिश करते हैं। कैमरामैन जतिन राजपूत के नाल मनदीप सिंह, दैनिक सवेरा TV, जलंधर।